हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद स्टडी सेंटर। मैं आपका साथी अरविंद कुमार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी स्टडी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और सी टेट का आप तैयारी कर रहे हैं, आपका संस्कृत बिल्कुल कमज़ोर है, संस्कृत आपका बिल्कुल कमज़ोर है, तो हम संस्कृत आज से 5 वीडियो आप जाकर पिछला देख लीजिए। और संस्कृत को हमने हिंदी में कन्वर्ट करके और उसका भाषा बताया बिल्कुल आसान तरीका से, वो भी ट्रिक के माध्यम से, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आपको संस्कृत का यानी विद्वान नहीं बनना है, आपको संस्कृत का समझिए आपको अच्छा नंबर लाना है। तो 15 नंबर का पेडागोजी हम बिल्कुल आसान तरीका से आपको करा रहे हैं, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद गदांश और गदखंड और पदखंड दोनों से हम लेके आएंगे, गदांश और पदांश दोनों करवाएंगे, यानी आपका 30 नंबर हम क्लियर करवा देंगे। तो आपका ट्रिक से देखना है कैसे आएगा आपका नंबर 15 नंबर। देखिए बिल्कुल आसान तरीका से आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आपको विद्वान बनना है तो हमारे चैनल को मत देखिए, दूसरे चैनल पर चले जाइए। अगर हाँ आपको अच्छा नंबर लाना है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? संभाषणम समय उचित उच्चारणे सह समुचित शब्दानम समुचित क्रमेण प्रयोग, यानी कह रहा है संभाषण कौशल। अब इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कर लीजिए, संभाषण भाषण करते समय उचित उच्चारण का समुचित शब्द कौन सा प्रयोग होता है, सबसे अधिक कौन प्रयोग होता है। तो आप सबसे पहले जान जाइए कि व्यापार, बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो व्यापार संभाषण के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको काट दीजिए, भाषा व्यापार नहीं होगा। प्रयोग आधारित भाषा, भाषा प्रयोग होता है, तो संभाषण मतलब यह एक दूसरे से जुड़ के सीखने वाला प्रक्रिया है। तो प्रयोग धारिता नहीं भाई, धारिता भी निगेटिव है, इसलिए प्रयोग सही है, लेकिन प्रयोग बच्चा करना चाहिए, लेकिन उसका धारिता भाषा नहीं चलेगा। यानी संकेतक भाषा, संकेतक भाषा भी आपका बॉडी लैंग्वेज यानी नहीं, ये भी गलत हो गया। उसके बाद आपका आंसर क्वेश्चन में ही जो क्वेश्चन है संभाषणम, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। संभाषणम प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा एक दूसरे को मतलब भाषा सीख सकता है। इसको हम संस्कृत में इसका उत्तर बोल दे रहे हैं। संभाषणम समुचित उच्चारणे सह समुचित शब्दानम समुचित क्रमेण प्रयोग एवं संभाषणम प्रक्रिया अस्ति, यही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथाकनम एकम शिक्षण शास्त्रीय उपकरण अस्ति तस्य प्रयोग क्रियन्ति, इसको अब हिंदी में ट्रांसलेट करिए। कथा वचन के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, इसको सही कर लेते हैं। कथा कहने के लिए एक शिक्षण शिक्षा शास्त्रीय उपकरण मतलब किसी का ये आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं, तो वही उपकरण है जो उसका प्रयोग अधिक होता है। आप कथा कहने में कौन सा भाषा कौशल या श्रवण कौशल, किस कौशल का विकास होता है, वही इसमें पूछ रहा है। 106 नंबर तो देख लिए, 107 नंबर में क्या पूछ रहा है? भाषा। तो भाषा किस में अधिक बच्चा शिक्षा शास्त्र के लिए, शिक्षा शास्त्रीय के लिए, यहाँ राइट आंसर देखिए, इसमें इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। क्या है देखिए, शिक्षा शास्त्रीय के उपकरण के लिए कौन सा अच्छा है, तो आपका अधिक प्रयोग किसमें होता है, तो आपका जिसमें विकास अधिक हो। तो किसमें आपका विकास अधिक होगा, तो जो अधिक बार भाषा साहित्य से ही भाषा कौशल का विकास होगा। शिक्षण शास्त्रीय में क्या लगेगा, साहित्य लगता है, इसलिए शिक्षण शास्त्रीय का बात आएगा वहाँ साहित्य लगाइएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 108 नंबर देखिए, 108 नंबर देखिए। ससंदर्भ व्याकरण नाम, यानी ससंदर्भ में व्याकरण कौन सा बच्चा व्याकरण के द्वारा सीखता है, क्या सीखता है बच्चा ससंदर्भ में,
व्याकरण क्या है, किसमें है सबसे अधिक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। तो 108 है भाषा सहसंबंध, तो भाषा सहसंबंध आपका भाषा सहसंबंधन व्याकरण के लिए कौन सा है, स्वयंभाषिक। एक नंबर देखिए यहाँ, एक नंबर देखिए स्वयंभाषिक उदाहरणेषु रूपानन परिचय तथा च संदर्भ संदर्भ तेसा अध्ययन। अब इसको आप क्या करना है, आपको बच्चा जो व्याकरण सीखता है तो कैसे सीखता है व्याकरण, तो व्याकरण बच्चा सीखता है वो भी स्वाभाविक भाषा के लिए। बच्चा को जब आप पढ़ा रहे हैं व्याकरण तो बच्चा स्वाभाविक रूप से उदाहरण के द्वारा सीखता है व्याकरण, जो नियम होता है वह उदाहरण, हम किसी चीज़ को उदाहरण देते हैं तब बच्चा उसको जल्दी सीखता है, ऑब्जर्व करता है। इसमें एक पॉजिटिव वर्ड है संदर्भानुसार, यानी ये संदर्भ रहे ससंदर्भ क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। व्याकरण व्यवस्थित संरचना मध्यान रूपान अधिगम एन विद्यार्थी क्रम विकास प्रयत्नोति, ये नहीं होगा आपका। पुनः पुनः अभ्यास बेला व्याकरणी अधिगम, ये भी नहीं होगा क्योंकि बार बार व्याकरण नियम को अभ्यास करके नहीं होगा, गणित अभ्यास के चीज़ है व्याकरण नहीं। पूर्वम रूपम ज्ञानम अंतरम प्रयोग, पूर्व ज्ञान से आप जोड़ के नहीं, ये भी गलत है। चलिए 108 नंबर हो गया, 109 नंबर चलते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितेषु मतलब निम्नलिखित में कौन सा कौशल विकास के लिए ग्रहण न भवते, निगेटिव वर्ड है यहाँ, न मतलब निगेटिव नहीं है, विकास कौशल के लिए लेखनम कौन सा नहीं है। क्या बच्चा सारांश से लिख सकता है, सारांश लेखनम, यानी हाँ ये राइट आंसर है क्योंकि यह इस सही है, यह लेखनम का एक माध्यम सारांश भी लिख सकते हैं। कस्यचित लेकिन यहाँ निगेटिव कह रहे हैं, यहाँ देखिए कार्यम क्रमस्य कृति योजना पत्र लेखम, यानी राइटिंग एजेंडा आप बना रहे हैं तो वह नहीं होगा आपका आंसर, यानी ये गलत है। व्याख्यानाम समय टिप्पणी संकलनम, ये आपका राइट, ये भी आंसर है। पठन समय टिप्पणी कौशल का एक भाग है विकास कौशल के लिए, लेकिन ये नहीं है, तो आपका 109 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 110 नंबर चलिए आइए, 110 नंबर का 100 पाठ्य पुस्तक निर्मात्रा वृत्त पत्र पत्रिकादि मूल लेखनव्यन पाठन कविता वर्णानी समाहितम पाठ्य पुस्तक केसु नियोजयति किमर्थम। अब इसको हिंदी में पढ़िए आप, पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में वृत्त पत्र पत्रिका मूल लेख पाठन के कविता वर्णित सामत्य समाहितम पाठ्य पुस्तक के नियोजित करता है। पाठ्य पुस्तक के लिए वृत्त पत्र पत्रिका में मूल कौन सा पठन कविता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, बच्चा से संबंधित है तो बच्चा से ही आप शिक्षक है, आप बच्चे को कैसे समझा सकते हैं वृत्त पत्र क्या होता है, लेखन पत्र क्या होता है। तो यह पत्र क्या होता है आपका, यह होता है अभ्यास प्रश्नानं निर्मातेषु उपयोगिता भवति, नहीं ये आपका आंसर गलत हो गया क्योंकि अभ्यास प्रश्न के निर्माण से ही प्रयोग करता है नहीं। तानि पाठनाम थम उपयोगनी भवति, ये भी नहीं होगा। तेषु विश्वसनीयता स्वाभाविकता च भाषा विद्यते, यानी कह रहा है कि विश्वसनीयता से ही स्वाभाविक भाषा और विराजमान होता है, तो यही आपका राइट। स्वयं जहाँ आ जाए, देखिए स्वाभाविकी यानी स्वयं जहाँ आ जाए, बच्चा स्वयं से करके सीखता है वह ज़्यादा वही सही होता है। तो
तो पॉजिटिव वर्ड मिल गया, तो यहाँ आपका सी राइट आंसर हो गया। पाठ्यम पुस्तक तानी रचयिते नहीं, ये भी गलत है। 110 का संस्कृत हम कर देते हैं। 110 का पाठ्य पुस्तक निर्मातृ वृत्ता पत्र मूल लेखभ्य पटना में कविता वर्णनी समाहितम पाठ्य पुस्तकें तानी नियोजित तयो तेस विश्वसनीय स्वाभाविका च भाषा विद्यते। चलिए 111 नंबर देखिए, 111 नंबर आइए, क्या है 111 नंबर। शिक्षक एक पाठ स्वगत्य, मतलब एक पाठ जो पढ़ा रहा है वह विद्यार्थी समूह रूप से विभाज्य, सामूहिक रूप से विभाज के लिए मुख्य बिंदु के पाठ में पुनः कौन सा है जो एक कार्य अस्ति एक कार्य के लिए है, तो क्या होगा इसका आंसर। अब देखते हैं कार्य अस्त पुनर्लेखम नहीं, गलत होगा क्योंकि पारस्परिक श्रुत लेख से भी नहीं सीखेगा, श्रुत लेख से भी नहीं सीखेगा, लेकिन व्याकरणी श्रुत लेख से बच्चा व्याकरण नियम ग्रामर डायरेक्शन से बहुत अच्छा बच्चा ग्रहण करता है, पाठ को बढ़िया से पढ़ सकता है। चलिए 112 नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 112। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, प्रथम भाषा विकास साधारण के लिए है, कौन सा प्रथम भाषा जो है वह विकास में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए तो परिवर्धनम इति नहीं, ये नहीं निभाता है। संज्ञानम इति ये भी नहीं निभाता है, क्योंकि संज्ञान के द्वारा नहीं, संज्ञान किसी चीज़ का नोटिस लिया जाता है उसको संज्ञान बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। अधिगम इति लर्निंग पीरियड में भी नहीं, तो क्या बच्चा अधिग्रहण करके बच्चा सीखता है भाषा, भाषा अधिग्रहण किसने कहा था, तो स्किनर साहब ने कहा था। चलिए 113 नंबर देखिए, कस्यचित कौन सा शिक्षिका कक्षा के लिए छात्र मातृभाषा विभिन्न मातृभाषा के लिए है, प्रत्येक छात्र स्वभाषा अपने परिवार परस्पर यानी स्वभाषा परस्पर ज्ञान के द्वारा सीखता है, और छात्र विभिन्न भाषण स्वदे स्वपरिचय प्रयोगशीलता एक शिक्षिका साधन रूप में लिखता है, तो क्या होगा इसमें, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो परियोजना विधि क्या है, यह योजना रूपेण विभिन्नता नहीं, गलत, विभिन्नता नहीं, बच्चा को इंक्लूड करके और स्वयं मतलब ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, भाषा वाक्यात से नहीं होगा, भाषा वाक्यात से नहीं होगा। उसके बाद संसाधन रूपेण बहु भाषावाद, अब बहुभाषिकता से भी नहीं, तो यह संसाधन के रूप में एक काम करता है स्वभाषा, तो इसका हम संस्कृत में डिफिनेशन कर देते हैं। प्रदत्त प्रश्नानुसार ऐसा शिक्षिका संसाधन रूपेण बहुभाषावाद इति विधि मनुसृति, आपका राइट आंसर सी है। चलिए 114 नंबर आ जाइए, 114 नंबर का देखिए, विद्यार्थिव्य एकस्य भाषा परिचार्थ्य कतम मार्ग न समुचित, वर्णमाला विद्यार्थी के लिए एक भाषा परिचय के लिए कौन सा मार्ग नहीं है, नॉन निगेटिव है समझ लीजिए, नहीं है भाषा मार्ग परिचय का मार्ग नहीं है, तो क्या होगा इसमें, भाषा में आपका वर्णमाला नहीं आएगा, तो ए आपका आंसर है।
और वर्णमाला मौखिक भाषा से बात कर रहे हैं तो मौखिक रूप से करिएगा, ये सही है। अत्यंत प्राकृतिक साहस के लिए भी आप करिएगा, शब्द का भी प्रयोग करिएगा, लेकिन लिखने से संबंधित वर्णमाला आता है तो लिखने से संबंधित आपका वर्णमाला आएगा। यहाँ कह रहा है एक भाषा परिचय के लिए, एक भाषा परिचय के लिए, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 115 नंबर आ जाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। मातृभाषा आधारित बहु भाषावाद नाम है मातृभाषा के लिए, मातृभाषा यानी क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है, देख लीजिए आप क्या है। मातृभाषा, मातृभाषा बच्चा कैसा है तो अनेक यहाँ देखिए प्रथम प्रथम भाषा है अधिगम तदंतु। मातृभाषा बच्चा प्रथम कहाँ से सीख के आता है, अपने परिवार से सीख के आता है, तो यह आपका राइट आंसर एक हो जाएगा। देखिए प्रथम मातृभाषा है तदंतु किम भाषा योग, यानी अनेक भाषा नहीं भाई, प्रथम भाषा केवल सब निगेटिव है, इसको भी काट दीजिए। मातृभाषा है मध्यन अधिगम, मातृभाषा के माध्यम से सीखता है बच्चा, लेकिन इसमें कह रहा है तदंतम अधिकम योग। मातृभाषा भाषा आधारित बहुपद भाषावादा नाम प्रथम मातृभाषा अधिगम तदंतरम माधिका भाषा प्रयोग योग इत्योति। चलिए 116 नंबर देखिए, आप वीडियो के स्क्रिप्ट मत करिएगा और वीडियो को पूरा देख लीजिए और ताकि आपको ये समझ में आ जाए। 116 नंबर ये क्या है, विद्यालय भाषा के लिए शिक्षा नीति कौन सा पॉलिसी अच्छा है, लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन के लिए कौन सा पॉलिसी अच्छा है, आप देख लीजिए विद्यालय भाषा के लिए शिक्षा नीति का क्या पॉलिसी है। तो मातृभाषा आधारित बहुपद नहीं, मातृभाषा आधारित बहुपद नहीं है, यानी क्या है त्रिभाषा सूत्र इति, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुभाषिकता परिषद नहीं है, ये भी नहीं है, जो शिक्षा नीति कहता है विद्यालय कक्षा कक्ष के लिए लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन शिक्षा कहता है वो आपका त्रिभाषीय होगा। चलिए 117 नंबर देखिए, समूच भाषा के उपागम है, समूच भाषा के लिए कौन सा उपागम है, समूच भाषा के लिए कौन सा उपागम है, थोड़ा नहीं बुझा रहा है तो इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ देखिए समुच्चय भाषा के लिए कौन सा उपागम, भाषा मस्य प्रारंभ लघु केन वर्तमान अक्षरण इति, ये भी नहीं होगा। सर्व भाषा भाषा सर्व अधिगम्यते इति धारणा, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी के भाषा अक्षर के लिए शब्द में शब्द समूह वाक्य के लिए कौन सा है, ये भी नहीं होगा। तो विद्यार्थी भाषा अधिगम भवति भाषा खंडे अंतर वर्णनम अक्षराणि कुर्वन्ति इति, एकदम यह राइट आंसर सही है। आप समझ लीजिए 117 का डी, आप देखिएगा ज़्यादा संख्या में लिखा हो, यानी बच्चे से संबंधित अधिक मात्रा सबसे अधिक इंक्लूड किया रहता है, इसलिए आंसर वही सही होता है। चलिए डी आंसर सही है। एक ट्रिक बता दिए वो भी, 118 नंबर देखिए, 118 नंबर भाषा अधिगम कंठस्थीकरण अलंक रूपेण भाषा के लिए कौन सा उपागम स्वीकृति है। तो संप्रेषणात्मक भी नहीं होगा, संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया भी नहीं होगा भाषा सीखने के लिए और कंठस्थीकरण करने के लिए, कंठस्थीकरण करने के लिए आपका निगेटिव है, तो उसको भी हम देखते हैं क्या कह रहा है। यानी सी संरचना मन सृजनात्मक, ये भी नहीं है आपका। व्याकरणवादी, यही डी आंसर हो गया आपका, क्या हो गया डी आंसर हो गया, व्याकरणवादी भाषा अधिगम कंठस्थीकरण अलंक रूपेण भाषा शिक्षण उपागम स्वीकृति। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 119 नंबर
काव्य भाषा का भाषा शिक्षिका अपने विषय वस्तु के अनुसार कौन सा सहगामी गीत शब्द च उदाहरण आहरण कृतु निर्देशित ऐसा योजना पद्धति ज्ञात है। अब इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और कितना सही हुआ मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे जो लोग, वो अपना कमेंट बॉक्स के में कमेंट करेगा। और ये क्वेश्चन VVI है, दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इससे पिछला वीडियो में भी रिपीट हो गया। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए क्या है, यानी शब्द क्रीडा नहीं, ये भी नहीं होगा, शब्द क्रीडा इति नहीं होगा, विन्यास इति होगा, यही राइट आंसर होगा, डी शब्द जाल नहीं होगा, यानी सहभागी के लिए कौन सा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हाँ कितना सही हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जो भी मेरा वीडियो नहीं देखे हैं आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप बताइए। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।